दोस्तों कई बार कूलर जो है थोड़ा पुराना हो जाता है और कूलिंग कैपेसिटी उसकी गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी को दोष देने लगते हैं, यार मैंने इतना महंगा कूलर खरीदा और कंपनी का ब्रांडेड कूलर खरीदा है लेकिन फिर भी हवा नहीं दे रहा है, ये मेरी किस्मत ही खराब है यार, हर चीज़ जो खरीदता हूँ वो सारी खराब निकलती है, ये सारी चीज़ें हम करने लग जाते हैं। लेकिन बिल्कुल हम ये ध्यान नहीं देते कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कूलिंग कैपेसिटी गिर गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक कूलर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें इतनी सारी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से इस कूलर की कूलिंग कैपेसिटी पूरी गिर गई है। तो आज मैं आपको सारे कारण दिखाऊंगा और उनको इम्प्रूव करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। ये है हमारे पास एक कूलर और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो गई है। अब उसके क्या कारण है वो मैं आपको यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ, जिनको आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपके कूलर की कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास एक कूलर है और इस कूलर में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें आपको हनी पैड दिखाता हूं, ये हनी पैड लगा हुआ कूलर है। कुछ ग्रास वाले कूलर भी आते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा कूलिंग करते हैं वो हनी पैड वाले होते हैं। जो ग्रास वाले होते हैं उसमें ग्रासेस जो होती है वो सड़ जाती है, उसमें से बदबू भी आने लगती है और दूसरी बात उसमें मच्छर मक्खी वगैरह भी हो जाते हैं। बट जो हनी पैड वाले होते हैं उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं आते हैं और दूसरी बात वहां पर कूलिंग भी अच्छी होती है। फिलहाल हमारे पास ये जो कूलर है ये हनी पैड वाला कूलर है। तो देखिए सबसे पहला जो रीजन होता है वो रीजन ये है कि जो इसमें हनी पैड लगे हुए हैं, एक हनी पैड यहां पर लगा है, एक हनी पैड इसके बैक साइड पे लगा हुआ है और एक हनी पैड इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर लगा हुआ है। तो यहां पर देखिए हनी पैड में होता क्या है कि ये हनी पैड के जो भी छेद हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाले जो छेद हैं ये छेद पूरे फिल हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जाला लग गया है, जाला भी कह सकते हैं आप और गंदगी भी कह सकते हैं। ये देखिए पूरे छेद जो है यहाँ पर ब्लॉकेज हो गए हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश एयर है वो अंदर नहीं जा पाती है। फ्रेश एयर अंदर जाएगी नहीं तो जो इसका फैन है वो आगे एयर को फेंकेगा कैसे, उससे आपका एयर फ्लो भी कम हो जाएगा और दूसरा कूलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इनको आपको साफ करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इन हनी पैड्स को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। आपको इस तरह का क्लीन करना है कि ये जो हनी पैड है इसमें आर पार कोई भी चीज चली जाए, यानी कि बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गंदगी भरी हुई है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके भी कूलर में इस तरह की गंदगी भरी हुई है हनी पैड में या फिर ग्रास में, तो आपको ग्रास तो चेंज कर देनी है और हनी पैड को आप चेंज नहीं करेंगे, यही हनी पैड आपका दोबारा से यहाँ पर यूज हो जाएगा, बस आपको क्लीन करना पड़ेगा। अब क्लीन करने के लिए आपको एक ब्रश की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस तरह का एक ब्रश होता है। अगर आपके पास ये वाला ब्रश ना हो तो आप वहाँ पर टूथ पेस्ट वाला जो ब्रश होता है जिससे हम लोग दांत वगैरह मांजते हैं उसका भी यूज करके आप आसानी से इसे साफ कर सकते हो। जब तक ये तीनों विंडो आपकी साफ नहीं होंगी तब तक एयर फ्लो बिल्कुल भी नहीं बनेगा और कूलिंग बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी। अब देखिए जो दूसरा रीजन है ये भी रीजन काफी बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, कूलिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूं तब आपके पूरी बात समझ में आएगी। उसके लिए मुझे कूलर को ऑन करना होगा, तो पहले मैं कूलर को ऑन कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए मैं कूलर को मैंने ऑन कर लिया है, इसके पंप को भी मैंने ऑन किया हुआ है। इस समय कूलर बिल्कुल ऑन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो पानी का फ्लो है वो केवल यहाँ पर है और यहाँ पर है, बीच में बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर फ्लो आ रहा है पानी का, यहाँ पर फ्लो है पानी का, बट यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लो नहीं आया है, यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लो नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हनी पैड पे पानी जा ही नहीं रहा है, और जब पूरी तरीके से हनी पैड गीला ही नहीं होगा तो वो कूल कैसे करेगा कूलर की एयर को। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अब इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पैड को खोलना होगा, तो मैं आपको एक विंडो को खोल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस विंडो को खोलना बहुत ही आसान होता है, इस तरीके से हमें खोल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक विंडो को खोल लिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि हनी पैड यहाँ से तो पूरा गीला हो रहा है बट यहाँ की साइड से हनी पैड गीला नहीं हो रहा है, क्योंकि
अभी तक हमने इस डस्ट को साफ नहीं किया है। जैसे ही आप डस्ट को साफ कर लेंगे तो हनी पैड पूरा गीला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी गीला नहीं हो रहा है हनी पैड आगे से पूरा, तो उस कंडीशन में आपका दूसरा रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर एक पंप लगा हुआ होता है जो पानी को ऊपर फ्लो कराता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पंप लगा हुआ है। तो ये जो पंप है कुछ इस तरीके का होता है। मेरे पास एक पुराना पंप पड़ा हुआ है, ये पंप होता है जो पानी को ऊपर ऊंचाई तक ले जाता है और फिर उसके बाद हनी पैड पे गिराता है। तो कई बार होता क्या है कि ये पंप काफ़ी पुराना हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो शाफ्ट होती है, जो शाफ्ट घूमती है, वो शाफ्ट थोड़ी घिस जाती है और पानी को थोड़ा कम उठाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हनी पैड पे पानी कम गिरता है और हनी पैड पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है पानी, जिसकी वजह से ठंडक भी कम होती है कूलर के अंदर। अगर आपका भी पंप कम पानी उठा रहा है तो उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दें, यानी कि नया पंप ले लें। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, लगभग आपको 150 से 200 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर। अब मैं आपको तीसरा रीजन बताता हूँ। तीसरा रीजन जो बहुत ही ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है, तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पर एक मोटर लगी हुई होती है जो हवा देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोटर है, इस मोटर में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से इस फैन की स्पीड कम हो जाती है। और ऑब्वियसली जब फैन की स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर एयर फ्लो भी कम हो जाएगा, और एयर फ्लो कम हो जाएगा तब भी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दोस्तों एक कारण और भी है जिसकी वजह से कूलिंग कैपेसिटी गिर जाती है और पंखे की जो एयर फ्लो होती है वो भी गिर जाती है। ये जो कारण है कई लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इसका कारण क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जब हम कूलर को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो दीवार है इस दीवार से बिल्कुल सटा के लगा देते हैं कूलर पे। अब ध्यान ये बात का हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि जब ये जो कूलर है जब एयर को फ्लो कराता है तो पीछे की एयर को लेता है और बाहर फेंकता है। तो जब पीछे से एयर आएगी ही नहीं क्योंकि दीवार है पीछे, तो आगे से एयर फ्लो कैसे बनेगा, यानी कि बहुत सारी हवा कैसे आएगी। जब हवा ही नहीं आएगी तो आपको ठंडक कैसे महसूस होगी, तो वहां पर भी आपकी कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल गिर जाएगी। तो देखिए जब भी आप कूलर चलाएं तो हमेशा याद रखें, या तो दरवाजे के पास रखें या फिर आप विंडो के पास रखें। जैसे ये एक विंडो है, इसको पूरा खोल देना है, इस तरीके से पैक करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको पूरा खोल देना है। उसके बाद इस कूलर को इस तरीके से यहां पर रखना है। इससे क्या होगा, ये जो विंडो है इससे यहां से फ्रेश एयर आएगी और यहां से एयर फ्लो बन जाएगा, इससे कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो चार कारण थे ये सबसे बड़े कारण थे जो लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं और सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ सही किया हुआ है फिर भी कूलिंग कैपेसिटी नहीं आ रही है, और दोष देते हैं कूलर को या फिर अपनी किस्मत को। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन सारी चीजों को आप सुधार लीजिए, आपके कूलर की कूलिंग कैपेसिटी 100% बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।